पंजाब के सिक्ख्या मंत्री ओपी सोनी ने चंडीगढ़ में पंजाब के सारे जिला सिक्ख्या अफसरों नाल बैठक की, जिस दौरान स्कूल परीक्षावां नूं लैके विचार चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पेपरों दौरान नकल ते 100% पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्ख्या मंत्री नतीजों नूं लैके भी डीओस नूं सूचेत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन्हां स्कूलों के नतीजे माड़े आए उसकी सारी जिम्मेवारी डीओस ते प्रिंसीपलों की होएगी। अज सारे पंजाब दे जिन्ने भी डिस्ट्रिक्टां दे एलीमेंटरी ਸਕੈਂਡਰੀ जिन्हें भी डीओ सारे अज बुलाया गया मीटिंग। वो इस करके मीटिंग की एक तो साढ़े स्कूलों के एग्जाम जोड़े ने वो आ गए 2-3 महीने बाद, हम ज़्यादा टाइम नहीं, 3 महीने रह गए 4 महीने, वो करके सारी स्टडी जी अज असी की है। सो पहला नंबर तो नकल जी है, पिछले साल भी काफ़ी हद तक नकल जी 90% जी नकल चली नहीं सी। सो ऐसा असी क्या भी 100% जी है वो नकल जी स्कूलों बंद होनी चाहिए है। सो वो विचार पटांदा किया भी किस तरह अरेंजमेंट की करने ने। दूसरा जिन्ने भी साडियां पंजाब दीयां बिल्डिंगां अनसेफ ने वो बारे इन्होंने सारे डीओज नूं पुछया, इन्होंने को लिस्टां लईआं ने, वो भी बिल्डिंगां जिहड़ियां ने अनसेफ ने। काफ़ी बिल्डिंग असी बना चुके हैं 8-9 महीने, काफ़ी कमरे तैयार कर चुके हैं। जोड़े रेंदे ने वो भी असी 6 महीनों च साल च सारिया बच्चों दियां जिहड़ियां जिथे बच्चे ने बैठना स्कूलों कोई भी बिल्डिंग असी रहन नहीं देनी अनसेफ, सारिया बिल्डिंगां